उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में आज समाजवादी छात्र सभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पर आकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन के द्वारा समाजवादी छात्र सभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया है कि कोरोना महामारी में छात्रों की शैक्षिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ ही अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उन्होंने बताया कि वर्तमान परिवेश में आमजन का जीवन यापन अव्यवस्थित हो गया है। ऐसे समय में सरकार द्वारा जीरो फीस की सुविधा समाप्त करना दलितों व कमजोर वर्ग के छात्रों के अधिकारों पर घात है। वहीं दूसरी तरफ पिछड़े एवं गरीब सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति व शुल्क रोके जाने की वजह से छात्रों की पढ़ाई जारी दुर्लभ रखना हो गया है। समाजवादी छात्र सभा ने मांग की है कि दलित वर्गों के लिए जीरो फीस की सुविधा एवं हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की बाधारी जल्द से जल्द प्रतिबद्ध हो। अगर समाजवादी छात्र सभा की मांगे पूरी ना हुई तो उस स्थिति में वो पूरे प्रदेश में आंदोलन हेतु बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में विशाल सिंह, अमन मेहता, सर्वेश कुमार चौहान, अमान मुकर्रम, रिजवान चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। आज हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल महोदय जी के लिए, जिसमें हमने मांगे की हैं कि छात्रों का उत्पीड़न पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। जो जीरो फीस पे एडमिशन होते थे उनमें भी इन्होंने फीस लागू कर दी है। तमाम तरह के छात्रों को मुकदमे लगाए जा रहे हैं, वो उनके अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, लेकिन फीस उसी तरीके से ली जा रही है। तो हमने फीस माफ़ी के लिए और छात्रों का उत्पीड़न बंद करने के लिए, जीरो फीस पे एडमिशन के लिए तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया। क्या मांगे आज? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सारा विश्व अभी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में अभिभावकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और वह बच्चों के अभिभावक जो है बच्चों की फीस जमा कर पाने में अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है और ऐसे में दलित छात्र छात्राओं की जीरो फीस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से गरीब दलित छात्र छात्राएं जो है परीक्षा एडमिशन से वंचित रह रहे हैं और वो अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और दूसरी तरफ अभी ऐसा हुआ है कि कुछ काली प्रशासन की लापरवाही की वजह से छात्र छात्राओं को बिना नंबर के प्रमोट कर दिया गया है, जिस वजह से छात्र छात्राओं का जो है विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और वह एडमिशन से वंचित रह गए। हमने जब अपनी समाजवादी छात्र सभा ने जो है अपने ज्ञापन में मांग उठाई है कि ऐसे में जिन बच्चों को जो है प्रमोट कर दिया गया है बिना नंबर के, उनके नंबर जारी करके उनको एडमिशन उपलब्ध कराया जाए, साथ ही जीरो फीस की सुविधा जो जिसमें सरकार ने रोक लगा दी है, जीरो फीस पर एडमिशन देकर के दलित छात्र छात्राओं का भी उत्पीड़न होने से बचाया जाए।